हेलो बच्चों, इस एपिसोड विच तुसी दो चलां वाली रेखी समीकरण प्रणाली नू तिरछी गुणा विधि राही हल करन बारे सीखोगे। आओ हुन शुरू करिए। तिरछी गुणा विधि द्वितीय समीकरण प्रणाली ए एक एक्स जमा बी एक वाई बराबर सी एक जदो ए एक अते बी एक जीरो दे बराबर ना हो इस नु समीकरण एक मान लो। फिर ए दो एक्स जमा बी दो वाई बराबर सी दो इथे ए दो अते बी दो भी जीरो दे बराबर ना हो इस नु समीकरण दो मान लो। हुन असी समीकरण एक नु बी दो नाल अते समीकरण दो नु बी एक नाल गुणा करके दोहा समीकरण दे वाई दे गुणा बराबर कर दे हां ता सानू प्राप्त हुंदा है ए एक बी दो एक्स जमा बी एक बी दो वाई बराबर सी एक बी दो इस नू समीकरण तीन मान लो। अगा ए दो बी एक एक्स जमा बी एक बी दो वाई बराबर सी दो बी एक दे इस नू समीकरण चार मान लो। हुन समीकरण चार नू समीकरण तीन विचों कटाउन ते सानू मिलदा है x गुणा a एक b दो माइनस a दो b एक बराबर c एक b दो माइनस c दो b एक इस नो समीकरण पांच मान लो। इसी तरह जेकर असी समीकरण एक अते समीकरण दो दे x दे गुणांका नू बराबर कर दे हां ता असी प्राप्त नवीं समीकरणा नू एक दूजे विचों कटाउन ते प्राप्त करांगे y गुणा ए एक बी दो माइनस ए दो बी एक बराबर सी दो ए एक माइनस सी एक ए दो इस नू हुन समीकरण छे मान लो। हुन असी समीकरण पांच एक चल पाव एक्स अते समीकरण छे एक चल पाव वाई विच समीकरण हन असी दोहा पासे ए एक बी दो माइनस ए दो बी एक नाल पाव करके पांच विचों एक्स अते समीकरण छे विचों y पता कर सकते हैं। पर एदे लई a1 b2 माइनस a2 b1 जीरो दे बराबर नहीं होना चाहिदा। x अते y दे मूल तिरछी गुणा तरीके नाल हेठां दित्ते तरह भी लिख सकते हैं। x बटा b1 b2 c1 c2 y बटा c1 c2 a1 a2 माइनस 1 बटा a1 a2 b1 b2 इसको असी इस तरह लिख सकते हैं x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 जो असी तिरछी गुणा करके प्राप्त कर दे हां बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 ए भी असी तिरछी गुणा करके प्राप्त कर दे हां बराबर माइनस 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। हुन पहली अते तीजी समानता तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर माइनस 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 सानू प्राप्त हुंदा है x बराबर माइनस 1 गुना b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 पाव x बराबर b2 c1 माइनस b1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इससे तरह दूजी अते तीजी समानता तो y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर माइनस 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 सानू प्राप्त हुंदा है y बराबर माइनस 1 गुना c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 पाव y बराबर होवेगा c2 a1 माइनस c1 a2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह x अते y दे मूल तिरछी गुणा विधि राही प्राप्त करदे हां। इथे ए गल ध्यान देन योग है कई बार समीकरण प्रणाली इस तरह दिती हुंदी है a एक x जमा b एक y जमा c एक बराबर 0
a दो x जमा b दो y जमा c दो बराबर जीरो तो असी तिरछी गुणा विधि लई इस तरह लिखांगे x बटा b एक b दो c एक c दो y बटा a एक a दो माइनस एक बटा b एक b दो नू इथे असी माइनस एक दी थां एक लेंदे हां पर इस नू असी इस तरह लिख सकते हां x सारे दे बटा b एक b दो c एक c दो y बटा a दो एक बटा b एक b दो इसी तरह इथे असी तिरछी गुणा विधि राही x अते y दे मूल प्राप्त कर दे हां जो कि हन x बराबर b2 c1 माइनस b1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 y बराबर c2 a1 माइनस c1 a2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 आ हुन अगा समीकरण प्रणाली नु हल करन ले तिरछी गुणा विधि दे कुछ नियमा बारे जानदे हां समीकरण प्रणाली a1x जमा b1y बराबर c1 अते a2x जमा b2y बराबर c2 दा एक हल होवेगा जेकर a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1 जीरो दे बराबर ना होवे पर a1 बटा a2 b1 बटा b2 दे बराबर ना होवे दूजा नियम जेकर a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1 जीरो दे बराबर होवे पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर मान लो k दे ता c1 बराबर k गुना c2 पाप c1 बटा c2 बराबर k होवे ता a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर k होवेगा इस स्थिति विच द्वितीय समीकरण प्रणाली दे असीमित रूप विच अनेका हल होंगे तीजा नियम जेकर a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1 जीरो दे बराबर होवे पाप a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर k मान लो ता c1 k गुना c2 दे बराबर नहीं होवेगा पाव c1 बटा c2 k दे बराबर नहीं होवेगा ता इंच a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2 दे बराबर नहीं होवेगा इस स्थिति विच असी कह सकते हां कि समीकरण प्रणाली दा कोई भी हल नहीं होवेगा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੰਗਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੀਏ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ x ਜਮਾ y ਬਰਾਬਰ 7 ਅਤੇ 5x ਜਮਾ 12y ਬਰਾਬਰ 7 ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ x ਜਮਾ y ਬਰਾਬਰ 7 5x ਜਮਾ 12y ਬਰਾਬਰ 7 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੂੰ समीकरण एक अते समीकरण दो मान लो हुन इना समीकरण दी a एक x जमा b एक y बराबर c एक अते a दो x जमा b दो y बराबर c दो नाल तुलना करन ते असी प्राप्त कर दे हां a एक बराबर एक b एक बराबर एक c एक बराबर सत ਅਤੇ
A2 बराबर 5, B2 बराबर 12 अते C2 बराबर 7 दे हुन तिरछी गुणा विधि राही समीकरण प्रणाली a1x जमा b1y बराबर c1 अते a2x जमा b2y बराबर c2 लई असी प्राप्त कर दे हां x बटा b1 गुणा c2 माइनस b2 गुणा c1 बराबर y बटा c1 गुणा a2 माइनस c2 गुणा a1 बराबर माइनस 1 बटा a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1 ता इस तो पाव x बटा b1 गुणा c2 माइनस b2 गुणा c1 बराबर माइनस 1 बटा a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1 अगा इस तो पाव x बराबर होवेगा माइनस गुणा b1 गुणा c2 माइनस b2 गुणा c1 बटा a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1 अगा इस तो पाव a बराबर b2 गुणा c1 माइनस b1 गुणा c2 बटा a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1 उने थे a1 a2 b1 b2 अते c1 c2 दा मुल परंते a बराबर 12 गुणा 7 माइनस 1 गुणा 7 बटा 1 गुणा 12 माइनस 5 गुणा 1 पाव ए बराबर 84 माइनस 7 बटा 12 माइनस 5 बराबर 77 बटा 7 दे होने इसनू हल करनते ए बराबर आवेगा 11 दे ता एंच एथे x दा मुल है 11 हुन अगा एथों y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर होवेगा माइनस 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 दे अगा a बराबर माइनस 1 गुणा c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 पाव ए बराबर c2 a1 माइनस c1 a2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 दे हुने थे a1 a2 b1 b2 c1 c2 दा मुल परंते ए बराबर 7 गुणा 1 माइनस 7 गुणा 5 बटा 1 गुणा 12 माइनस 5 गुणा 1 पाव ए बराबर 7 माइनस 35 बटा 12 माइनस 5 पाव बराबर माइनस 28 बटा 7
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 28 7 ਨਾਲ ਵੰਡ ਯੋਗ ਹੈ 7 ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ y ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ -4 ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਚ ਇੱਥੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ -4 ਤਾਂ ਇੰਚ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 11 ਅਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ -4 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀਏ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਹਨ 2x ਜਮ੍ਹਾਂ 3y ਬਰਾਬਰ 17 ਅਤੇ 3x ਮਾਈਨਸ 2y ਬਰਾਬਰ 6 ਹੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਮਾ 3y ਬਰਾਬਰ 17 3x -2y ਬਰਾਬਰ 6 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਨੂੰ a1x ਜਮ੍ਹਾਂ b1y ਬਰਾਬਰ c1 ਅਤੇ a2x ਜਮ੍ਹਾਂ b2y ਬਰਾਬਰ c2 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a1 ਬਰਾਬਰ 2 b1 ਬਰਾਬਰ 3 c1 ਬਰਾਬਰ 17 ਅਤੇ a2 ਬਰਾਬਰ 3 b2 ਬਰਾਬਰ -2 ਅਤੇ c2 ਬਰਾਬਰ 6 ਦੇ ਹੁਣ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਬਟਾ v1 ਗੁਣਾ c2 ਮਾਈਨਸ v2 ਗੁਣਾ c1 ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ c1 a2 ਮਾਈਨਸ a1 c2 ਬਰਾਬਰ -1 ਬਟਾ a1 b2 ਮਾਈਨਸ a2 b1 ਹੁਣ ਇੱਥੇ a1 a2 b1 b2 ਅਤੇ c1 c2 ਦੇ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ x ਬਟਾ 3 ਗੁਣਾ 6 ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ 17 ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ 17 ਗੁਣਾ 3 ਮਾਈਨਸ 6 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ
एक बटा दो गुणा माइनस दो माइनस तीन गुणा तीन उन्नीस तो भाव एक्स बटा अठारह माइनस माइनस चौंती बराबर वाई बटा इकवंजा माइनस बारह बराबर माइनस एक बटा माइनस चार माइनस नौ भाव एक्स बटा अठारह जमा चौंती बराबर वाई बटा उनतालीस बराबर माइनस एक बटा माइनस तेरह भाव अगा बराबर एक्स बटा बवंजा बराबर वाई बटा उनतालीस बराबर एक बटा तेरह इस तो भाव एक्स बटा बवंजा बराबर एक बटा तेरह भाव एक्स बराबर बवंजा बटा तेरह हल करन ते ए बराबर चार दे अगा वाई बटा उनतालीस बराबर एक बटा तेरह भाव वाई बराबर उनतालीस बटा तेरह हल करन ते ए बराबर तीन दे ता इंच दित्ती समीकरण प्रणाली लई एक्स बराबर चार अते वाय बराबर तीन चुकी असी पता करना सी आओ हुन अगला उदाहरण देखिए हेठ दित्ती समीकरण प्रणाली नू तिरछी गुणा विधि राही हल करो दित्ती समीकरण प्रणाली 2x माइनस वाई बराबर 6 अते x माइनस वाई बराबर 2 हल दित्ती समीकरण प्रणाली तो x माइनस y बराबर 6 x माइनस y बराबर 2 इन्हानु क्रमवार समीकरण 1 अते समीकरण 2 मान लो हुन समीकरण 1 अते समीकरण 2 नु क्रमवार a एक एक्स जमा बी एक वाई बराबर सी एक अते ए दो एक्स जमा बी दो वाई बराबर सी दो नाल तुलना करनते ए एक बराबर दो b एक बराबर माइनस एक c एक बराबर छे अते a दो बराबर एक b दो बराबर माइनस एक अते c दो बराबर दो हुण इत्थे तिरछी गुणा दी वरतों करदे आं असी प्राप्त करदे हां x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर माइनस 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 हुण इत्थे क्रमवार
A1, B1, C1, A2, B2 ਅਤੇ C2 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ x ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਗੁਣਾ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ 6 ਗੁਣਾ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਟਾ 2 ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ x ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 6 ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ 6 ਮਾਈਨਸ 4 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਭਾਵ x ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਜਮਾ 6 ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ 6 ਮਾਈਨਸ 4 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਜਮਾ 1 ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ x ਬਟਾ 4 ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ x ਬਟਾ 4 ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ 1 ਬਟਾ 1 ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ 1 ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ x ਬਟਾ 4 ਬਰਾਬਰ 1 ਭਾਵ x ਬਰਾਬਰ 4 ਦੇ ਅਗਾ y ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ 1 ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ y ਬਰਾਬਰ 2 ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ x ਬਰਾਬਰ 4 ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀਏ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ x ਮਾਈਨਸ 2y ਬਰਾਬਰ 4 ਅਤੇ 3x ਮਾਈਨਸ 6y ਬਰਾਬਰ 11 ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ x ਮਾਈਨਸ 2y ਬਰਾਬਰ 4 3x ਮਾਈਨਸ 6y ਬਰਾਬਰ 11 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ A1x ਜਮਾ B1y ਬਰਾਬਰ C1 ਅਤੇ A2x ਜਮਾ B2y ਬਰਾਬਰ C2 ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A1 ਬਰਾਬਰ 1 B1 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 2 C1 ਬਰਾਬਰ 4 ਅਤੇ A2 ਬਰਾਬਰ 3 B2 ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 6 ਅਤੇ C2 ਬਰਾਬਰ 11 ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ
ए एक बटा ए दो बराबर एक बटा तीन, बी एक बटा बी दो बराबर माइनस दो बटा माइनस छे। हुण इस नूं हल करन ते ए बराबर एक बटा तीन अते सी एक बटा सी दो बराबर चार बटा ग्यारह, ता इस तों भाव ए एक बटा ए दो बराबर है बी एक बटा बी दो जो कि बराबर नहीं है सी एक बटा सी दो दे। ता एम स्थिति समीकरण प्रणाली ले ए एक बटा ए दो बराबर बी एक बटा बी दो बराबर नहीं सी एक बटा सी दो। ता इस स्थिति विच असी कह सकते हां दित्ती समीकरण प्रणाली दा कोई भी हल नहीं है। जो कि असी पता करना सी। आ हुण अगला उदाहरण वेखिए के दा ओ मुल पता करो जिस नाल द्वितीय समीकरण प्रणाली के एक्स जमा दो वाई बराबर पांच अते तीन एक्स जमा वाई बराबर एक दा एक हल होवे। हल सानू द्वितीय समीकरण प्रणाली कि एक्स जमा दो वाई बराबर पांच तीन एक्स जमा वाई बराबर एक होने थे द्वितीय हुई समीकरण दी तुलना ए एक एक्स जमा बी एक वाई बराबर सी एक अते ए दो एक्स जमा बी दो वाई बराबर सी दो नाल करंते असी प्राप्त कर दे हां ए एक बराबर के बी एक बराबर दो सी एक बराबर पांच ए दो बराबर तीन बी दो बराबर एक सी दो बराबर एक दे। हुण सानू द्वितीय समीकरण प्रणाली दा एक हल है जिवें कि एक हल लई शर्त है ए एक बटा ए दो बराबर ना होवे बी एक बटा बी दो दे। इसलिए द्वितीय समीकरण प्रणाली लई के बटा तीन
बराबर ना होवे दो बटा एक दे भाव के बराबर ना होवे दो गुणा तीन बटा एक इस तो भाव के बराबर ना होवे छे बटा एक भाव के छे दे बराबर ना होवे ता इंच के बराबर छे नू छड़ के कोई भी मूल लैन ते द्वितीय समीकरण प्रणाली का एक हल होवेगा जो कि ऐसी पता करना सी इस एपिसोड विच तुसी दो चल वाली रेखीय समीकरण प्रणाली नू तिरछी गुणा विधि राही हल करन बारे सिख्या है। इस एपिसोड विच तुसी दो चलां वाली रेखीय समीकरण प्रणाली नू तिरछी गुणा विधि राही हल करन बारे सिख्या है। उम्मीद करदा हां तुहानू एपिसोड पूरी तरह समझ आ गया होवेगा। धन्यवाद।